अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो आज की वीडियो जो सी है वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है कि कैसे अमेज़ॉन वाले फ्रॉड कर रहे हैं और कैसे कुछ लोग अमेज़ॉन को फ़ायदा उठाने के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ मुझे शदीद, मैं मजम्मत करता हूँ ऐसी कंपेन के बारे में कि आम लोगों को इस कैंप में ला के उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ ये कि वो अपना प्रमोशन चाहते हैं कि अमेज़ॉन के बारे में हर किसी को पता चल जाए, इनाम का झूठा लालच दे के। ठीक है, लानत है ऐसी कंपेन पे, लानत है ऐसी ऐसे उन लोगों पे भी जिनको पता है कि सब कुछ फ्रॉड है, फिर भी वो आगे लिंक जो उनसे है वो सेंड करते जाते हैं, सेंड करते जाते हैं। ये इनाम शनाम कोई नहीं है। आज की वीडियो को प्रैक्टिकली मैंने स्क्रीन शॉट के जरिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये सारा जो है इनका प्लान जो है मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी ये अमेजोन के मैसेजेस आ रहे हैं, इन मैसेजेस को फौरी डिलीट कर दीजिए और किसी को लिंक जो है वो शेयर मत कीजिए, क्योंकि किसी का टाइम ना ज़ाया कीजिए, किसी की यानी कि उम्मीदों के साथ मत खेलिए। लगता है हर बंदे को लगता है कि उसने जो है वो आईफोन जीत लिया, मगर किसी ने कुछ नहीं जीता। आगे जाके ये जो है सारा स्कैम जो है, जब बंदा 200 या 100 बंदों को लिंक भेज देता है तो फिर क्या होता है, एंड पे जाके वो एड्रेस मांगते नहीं है। पहले कहते हैं कि जी पहले एड्रेस दिया जाएगा, मगर एड्रेस मांगते नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो मैंने किया है वो आपको लिंक करके इसके साथ मैंने जोड़ा है। तो इसको जरा गौर से देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में सजेस्ट करना है। ये देखिए, मैं मोबाइल अपना यूज़ करने के लिए मैंने उठाया तो मैंने सोचा कि क्या चीज़ देखा, तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हुए थे, तो फेसबुक पे भी मैसेजेस आए हुए थे। तो ज़ाहरी बात है कि मैंने सोचा चलो यार कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए, कोई टाइम पास हो जाता है या कोई देखना पड़ता कोई मैसेज तो नहीं। जब व्हाट्सएप मैंने ओपन किया तो मुझे लिंक आया हुआ था। ठीक है, तो ये लिंक मुझे भेजा है किसी फ्रेंड ने। खैर एनी हो, मैंने इस लिंक को क्लिक किया, ये सेकेंड लास्ट वाला लिंक है, तो इस लिंक को मैंने क्लिक किया है। तो आगे दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। ये देखिए, मैंने लिंक को क्लिक कर दिया तो ये देखे गूगल पे एक सर्च खुल गई है अमेज़ॉन की। तो इसमें कहा है कि जी हेलो, आपको जो है ना चांस दिया जा रहा है कि आप सवालों को, 3 सवालों के जवाब दें और आपको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम का डब्बा भी शो हो रहा है, जिससे बंदा जो है कंफ्यूज होकर फटाफट कहता है कि चलो यार इनाम मिल जाएगा, फारग बैठे हैं, चलो इनाम ही मिल जाएगा। तो ये देखे साथ नीचे ना मैसेजेस दिए हुए, मैसेजेस में लिखा हुआ है कि थैंक्स आई हैव रिसीव्ड, और दूसरे ने ये भी लिखा है कि मैं पहले से जोक समझ रहा था स्कैम, मगर मैंने आज गिफ्ट रिसीव कर लिया। ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये जो उनसे ऐसे है ना ये फिक्स किए गए हैं कि सारे जो मैसेजेस ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये सच है। तो इस गेम में हमें भी जाना चाहिए, ये जितने भी हम मैसेज पढ़ेंगे ना सारे इसकी फेवर में है। ठीक है, जब फेवर में मैसेज आते हैं तो बंदा कहता है कि मैं भी इसको खेलूंगा। तो मैंने भी इसको यस कर दिया। ठीक है, मैंने यस किया तो अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि आपकी उम्र जो सी है कितनी है, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बंदे ने कोई ना कोई तो उम्र देनी है। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप अमेज़ॉन के बारे में जानते हैं कि कैसा है, अच्छा है, गुड है, बैड है, जो भी है। जारी बात है हमने नाम सुना हुआ, मैंने एक का जवाब दे दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि आप जो उनसे है कि वे दोस्तों को इसको रिकमेंड करना चाहेंगे। मैंने कहा यार यस मैं करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया तो वो वेरीफाइंग योर आंसर, अब वो इसमें कोई हालांकि आंसर था ही नहीं, कोई उसने इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं पूछा, 2-3 चीज़ें पूछ के अब उसने गिफ्ट का अमेज़ॉन ने दे दिया जी कि आपको कांग्रेचुलेशन दी गई है कि आपने बहुत अच्छा सवालों का जवाब दिया, जो बहुत नॉलेज वाले सवाल थे उसका आपने जवाब दिया है, तो अब आपको क्या है कि वो इनाम दिया जाएगा। तो उसने कहा 3 ऑप्शन है आपके पास जीतने के, 3 दफ़ा आप क्लिक कर सकते हैं, किसी ना किसी में इनाम निकल जाएगा। बंदा सोचता है यार 3 है, पहला डब्बा क्लिक किया मैंने तो उसने कहा नहीं आप कुछ नहीं जीत सके, हमें इस बात का अफसोस है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी 2 चांस है। मैंने दूसरा डब्बा क्लिक किया तो वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन उभरता हुआ बाहर आ गया, ये मोबाइल फ़ोन की तस्वीर भी आ गई, उसका मॉडल नंबर भी आ गया। ठीक है कि ये आईफोन का मोबाइल है। अब उसने साथ क्या कह दिया है कि पहले आप क्या करें, व्हाट्सएप पे लोगों को जो सा है इसका लिंक भेजें, और साथ क्या है कि आपको एड्रेस फिर आप वेरीफाई करवाएं अपना कि आपको किस एड्रेस पे ये मोबाइल भेजा जाए। जब ये बात सामने आती है तो बंदा खुश हो जाता है, गरीब बंदा खुश हो जाता है या कोई भी बंदा, वो बड़ा चहक उठता है कि वाह बैठे बैठे मैंने आईफोन जीत लिया, क्योंकि मेरे पास तो गरीबों वाला फ़ोन है और ये इतना अमीरों वाला फ़ोन जब मेरे सामने आएगा तो मेरी तो खुशी होगी। मुझे इसी तरह हर बंदे के इमोशंस के साथ ये लोग खेल रहे हैं। इन लोगों को कोई एहसास नहीं कि यार लोगों का वक्त कितना कीमती है, उनको बर्बाद कितना खूबसूरत। अब वो कह रहा है, मैंने कहा जी मैं एड्रेस देना चाहूँगा, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक करना था तो फटाफट मैं अपना एड्रेस दूँ ताकि मेरा टाइम मज़ीद ज़ाया ना हो। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू पर क्लिक। वो कहता नहीं कंटिन्यू को मैं नहीं मानता, पहले 20 फ्रेंड्स को
ये लिंक भेजें या पांच ग्रुप्स में ये लिंक भेजें, फिर मैं आपको जो उनसे है वो एड्रेस वेरीफाई करने दूंगा, ठीक है। तो इस तरह क्या किया, फिर मैंने मजबूर हो गया, मैंने व्हाट्सएप पे लोगों को भेजना था, मैंने अलाउ किया। एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन, जब हम अलाउ करते हैं तो हम एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन की, जब अलाउ किया मैंने तो उसने साथ ही रेटिंग बढ़ानी शुरू कर दी। ये देखें कि इतने परसेंट हो गया, तो आगे हम मजीद लोगों को भेजें, ये खुद ही लालच दे रहे हैं। हालांकि मैंने एक को भी नहीं अभी तक भेजा, तो इतनी लाइन उसने खुद ही फिल कर दी है। अब मैंने अलाउ किया, ठीक है, अलाउ करके मैंने क्या किया, फिर मैंने नीचे पढ़ा कि लोगों को ये गिफ्ट मिल चुका है, ये सारा स्कैम है, ठीक है, ये झूठ है। फिर मैंने अलाउ किया और मैं अब क्या करूँगा कि जाहिर बात है मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने आईफोन जीत लिया। अगर 15-20 लोगों को भेजने से लिंक मुझे आईफोन मिलता है तो मैं लालच में आऊँगा ना, मेरे जहन में आएगी ना ये बात कि चलो यार मैं भेज देता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ा, लिंक ही है, ठीक है। मगर ये लिंक नहीं है एक्चुअली, ये दूसरे लोगों का टाइम ज़ाया करने का लिंक है। तो ये झूठी इन्फॉर्मेशन देना भी जो उनसे है ये गलत बात है और ये गैर इखलाकी है। अब मैंने तो जाहिर बात है किसी को भेजना ही था, मैंने ये लिंक किया, क्लिक किया, अब मैंने क्या किया, मैंने लिंक किसी एक को भेजना था, जाहिर बात है मैंने कोई एक बंदा सिलेक्ट किया जिससे मेरा कोई रबता नहीं है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे मुझे, ठीक है। मैंने कोई एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट करके ये देखें मैंने उसको लिंक भेजा, मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे मैं लिंक फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं बैक पे जाता हूँ देखने के लिए कि आप मुझसे एड्रेस मांगता है, ये देखें ये लाइन आगे चलेगी, इसका मतलब है कि ये देखें लिंक इतना चला आगे चलेगी, इसका मतलब है कि मुझे अभी और भेजने पड़ेंगे। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता लाइन बढ़ती रहती है और बंदा लोगों को लिंक भेजता जाता है, भेजता जाता है। जब 50-60 लोगों को आप लिंक भेज देते हैं तब जाके ये लाइन पूरी होती है, ठीक है। अब मैंने दूसरे बंदे को भेजी, ठीक है, इस तरह मैं किसी और को लिंक को मैं भेजूँगा, ठीक है, ये देखें ज़रा, ये मैंने इसको भेजी अब, ठीक है, अब इसको मैंने भेज के लिंक, ये देखें लिंक भेज के मैं देखता हूँ दोबारा, ये देखें वो फिर अभी भी एड्रेस नहीं मांग रहा, कंटिन्यू पे नहीं आ रहा, यानी अभी भी नहीं मांग रहा वो, देखें वो थोड़ी सी लाइन उसने और बढ़ा दी है, यानी फिर मैं कंटिन्यू पे करता हूँ कि मैं एड्रेस दे दूँ, मगर वो एड्रेस की बात की तरफ तो वो आता ही नहीं है। वो कहता है बस शेयर करते जाएँ लिंक को मेरा, कि सारी दुनिया को बताते जाएँ कि अमेजोन जो सी वो बड़ी कंपनी है। लानत है ऐसी कंपेन पे कि लोगों का इतना टाइम ज़ाया आप कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह अलाउ करते करते काफ़ी लोगों को बंदा क्या करता है कि एड्रेस पे लिंक सेंड पे सेंड, सेंड पे सेंड, 25-30 बंदा ग्रुप्स को भी भेज देता है, इतने लोगों को भेज देता है, ठीक है, इस चक्कर में कि मुझे मेरा एड्रेस जब वेरीफाई हो जाएगा तो मुझे घर बैठे आईफोन प्रो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बंदा पढ़ता, ये देखें लिंक जैसे जैसे आप सेंड करते जाएंगे ये लकीर थोड़ी थोड़ी आगे होती जाएगी। वो कहते हैं कि इसको पूरी, जब तक आपकी ब्लू लाइन पूरी नहीं हो जाती आपका एड्रेस नहीं वो लेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में अच्छा अब क्या हुआ कि जब ब्लू लाइन पूरी होगी मैंने सेंड कर दिया तो आखिर में वो कहता है कि क्लिक करें कि आप रिमोट तो नहीं है, असल क्लिक है। अब मैंने ये क्लिक करना शुरू कर दिया, मैं यकीन करें इसे 10 मिनट क्लिक करता रहा हूँ कि ये अब मुझसे एड्रेस मांगेगा, मगर ये इससे आगे कहीं जाता ही नहीं है। यहाँ आके बात जो सी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा स्कैम है, ये झूठ है, बकवास है। ये देखें मैंने कितनी दफ़ा क्लिक किया है, ये रिमोट पे आके ये बात ख़त्म हो गई। अब इसने आगे नहीं बढ़ना, इस तरह आपसे उसने 100 बंदों को ये लिंक सेंड करवा लिया, अब वो 100 लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा मगर उनको भी यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कि ये सब बकवास है, इन्होंने लोगों का टाइम ज़ाया करना है, अमेजोन का नाम पिला रहे हैं और देते कुछ नहीं है, और ये जो मैसेज नीचे आपने पढ़े ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अमेजोन को सारे जो उनसे हैं ये इसके खिलाफ एहतजाज कीजिए ऐसे मैसेजेस, ऐसी कंपेन के साथ कि लोगों का यार इतना कीमती वक्त आप क्यों ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। जब आपने कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो ऐसे मैसेजेस पे एहतजाज कीजिए, अमेजोन को अच्छी तरह, जो लोग ये परमिट कर रहे हैं उनके, बल्कि उनके खिलाफ तो केस होना चाहिए यार, लोगों का कीमती टाइम ज़ाया करके उनको इनाम का झूठा लालच दे के देना जिना आपने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको कमेंट कीजिए प्लीज़ और इस पर एहतजाज कीजिए।